हेलो व्यूअर्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो स्विच केस के बारे में डिस्कस करेंगे। स्विच केस के अंदर हम ऑप्शनल स्कोडिंग कैसे करते हैं, यानी कि ऑप्शनल स्कोड बनाने के लिए हमें कोड को जनरेट करेंगे। देखिएगा, मैं सबसे पहले आज का मेरा एजेंडा होगा वो क्या एजेंडा होगा आज के लेक्चर में, वो मैं आपको एक बार डिस्क्राइब करता हूँ। देखिएगा, पिछले लेक्चर में स्विच केस में हमने इंटीजर एंड कैरेक्टर इंटीजर कांस्टेंट एंड कैरेक्टर कांस्टेंट को कैसे वैल्यू को वो एग्जीक्यूट करता है स्विच के थ्रू, आज हम इसको ऑप्शनल में कैसे बनाएंगे। देखिएगा, मेरा आज का जो एजेंडा होगा, मान लो अगर मैं 1 प्रेस करता हूं तो 1 प्रेस करने पर उसे क्या करना चाहिए, 2 नंबर को सम कर देना चाहिए, यानी कि 2 नंबर क्या हो जाना चाहिए, सम। यदि मैं 2 प्रेस करता हूं तो 2 प्रेस करने पर उसे क्या करना चाहिए, 2 नंबर को उसे सबट्रैक्शन कर देना चाहिए। यदि मैं 3 प्रेस करता हूं तो 2 नंबर को ही वो क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो वो 2 नंबर को क्या कर देगा, मल्टीप्लाई। यदि मैं 4 प्रेस करता हूं तो 2 नंबर का वो क्या निकाले, उसको डिवीजन निकाल दे। यदि मैं 5 प्रेस करता हूं तो इसी तरह से वो 2 नंबर का जो 2 होगा TWO डिवीजन कर दे। यदि मैं इसी तरह से 2 नंबर का मैं 5 प्रेस करता हूं तो नंबर का रिमाइंडर फाइंड आउट कर। देखिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पे कोड को मैं राइट करता हूं। सबसे पहले मैं इसको सेव कर देता हूं। ओके, सॉरी, इसको सी ड्राइव TS है कोड, सी कोड कहां गया, सी में सेव कर देते हैं। ओके, चलो सी में मैं यहाँ पे फोल्डर ले लेता हूँ स्विच के नाम से, तो यहाँ स्विच वाली कोडिंग हो जाएगी। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, इसका नाम ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन डॉट सी हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। मेन फंक्शन वाइड मैन बॉडी, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि वो नंबर मुझे चॉइस करना होगा जिसके लिए मुझे प्रेस करना होता है, यानी कि कौन सा आपका ऑप्शन चाहिए, आपको 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, उसके लिए मैंने क्या ले लिया, ऑप्शन के नाम ओपीटी ले लेता हूँ। ओके, फिर मुझे जिन नंबर से कैलकुलेशन करनी है मुझे एक्स और वाई से करना है, और रिजल्ट मुझे किस में लेके आना है, जेड में लेके आना है। तो करेंगे, तो सबसे पहले मैं इसका प्रिंट दिखा देता हूँ। प्रिंट ऑफ, यदि मान लो मैं 1 प्रेस करता हूँ, यदि 1 प्रेस ऑप्शन होता है तो 1 प्रेस करने पर 1 प्रेस 2 फाइंड आउट वो क्या करे, सम। ओके, इसके बाद नेक्स्ट लाइन में चला जाए वो। फिर मैंने क्या करा, प्रिंट ऑफ के अंदर यहाँ पे यदि मैं 2 प्रेस करता हूँ तो क्या करे, 2 फाइंड आउट वो क्या करे, सबट्रैक्शन। मैं इसको टाइप करने के बजाय मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, उससे जल्दी हो जाएगा। बस बीच में कुछ मुझे चेंजिंग करने होंगे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे 3 कर दिया, यहाँ 3 आ चुका है, यहाँ 4 आ चुका है, और यहाँ पे 5 आ चुका है। बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ मैं कहना चाहता हूँ यहाँ क्या कर दे वो, मल्टीप्लाई, यहाँ क्या कर दे वो, डिविजन, यहाँ क्या कर दे वो, मॉडुलस। ओके, तो मैंने क्या करा यहाँ पे प्रिंट ऑफ के अंदर, सबसे पहले यहाँ पे करा प्रिंट ऑफ के अंदर प्लीज एनी चॉइस फ्रॉम अबव, आप यानी कि यहाँ से कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पे चॉइस करेंगे। ओके, फिर मैं इसको स्कैन ऑफ करके परसेंट डी लगा के उसे किस में डालना चाहिए, मुझे डालना चाहिए ऑप्शन के अंदर, यानी कि ऑप्शन के अंदर। फिर वो क्या करे, स्विच इसको रीड करे, स्विच जैसे उसको रीड करेगा तो कहाँ जाएगा, ओपीटी के अंदर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, चलो ठीक है, ये भी चला गया।
और यहाँ पे इसकी बॉडी स्टार्ट होगी। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, आपको वो नंबर भी एंटर करने होंगे जिन नंबर को हमें प्लस माइनस इनटू डिवाइड करना है। ये तो आपने क्या करा, या तो आप वन चॉइस करेंगे, टू चॉइस करेंगे, थ्री चॉइस करेंगे, फोर चॉइस करेंगे, फाइव चॉइस करेंगे, वो तो ओपीटी के अंदर गई है वैल्यू और फिर वो मैंने स्विच के अंदर पास कर दी है। लेकिन आपने ऑप्शन चॉइस किया है तो वो सम करे, जो सम करेगा वो नंबर भी तो चाहिए हमें, किन का नंबर सम करना है। तो वो हमने क्या करा यहाँ पे प्रिंट ऑफ के अंदर मैंने क्या करा यहाँ पे एंटर एनी टू नंबर, ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दी, स्कैन ऑफ लगा दी और यहाँ पे परसेंट डी कोड एम परसेंट और यहाँ पे डाल दिया मैंने किसके अंदर, दो हैं, दो वेरिएबल हैं तो दो एक साथ वैल्यू डाल सकती, पहला एक्स का एड्रेस, फिर किसका एड्रेस, फिर वाई का एड्रेस, ओके। जैसे ही मैंने क्या करा यहाँ पे लगा आपका बॉडी, केस मेरा वन है तो केस वन करने पर उसे सम कर देना चाहिए एक्स प्लस वाई, ओके, सॉरी जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ओके, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। और मैं कहना चाहता हूँ उसको यहाँ पे वो प्रिंट आउट भी कर दे, परसेंट डी डबल कोट कॉमा और यहाँ पे जो प्रिंट होगा वो हो जाएगा आपका जेड। इसके बाद यहाँ पे ब्रेक मैंने आपको बताया है क्यों लगाना है, ओके, ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो ये मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, तो प्लीज आपका मेरा पिछला वीडियो देखेगा तो आपको पता लग जाएगा कि मैंने ब्रेक यहाँ पर क्यों लगाया। मैंने दो लेक्चर तैयार किए हैं, लेक्चर वन और लेक्चर टू, आप उसको देख सकते हैं। फिर मैंने क्या करा केस टू, यदि केस टू है तो उसे जेड इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई कर देना चाहिए, ओके। फिर यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ प्रिंट अप कर देता हूँ परसेंट डी लगा के और यहाँ पे जेड प्रिंट हो जाएगा और इसको भी बंद करने के लिए ब्रेक लगा देगा, ओके। इसके बाद में केस थ्री में उसे क्या करना चाहिए, जेड इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई वाई और यहाँ पे प्रिंट अप के अंदर यहाँ पे वो क्या करे प्रिंट अप, यहाँ पे वो कर दे परसेंट डी कॉट कॉमर यहाँ पे प्रिंट जेड, ब्रेक, ओके। फिर हमने क्या करा केस इसी तरह से फोर हो, सॉरी जेड इक्वल्स टू वो क्या कर दे जेड इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाय वाई, गलत हो गया यहाँ पे, सो ठीक कर लिया मैंने, प्रिंट अप यहाँ पे परसेंट डी रिलेशन की नॉट रिक्वायरमेंट, यहाँ पे प्रिंट कर दे वो जेड। इसके बाद यहाँ पे ब्रेक, फिर इसी तरह से केस क्या हो फाइव हो तो जेड इक्वल्स टू एक्स रिमाइंडर वाई प्रिंट ऑफ, तो यहाँ पे क्या करे परसेंट डी कॉमा यहाँ पे जेड। इसके बाद यहाँ पे इसको ब्रेक, ओके, ब्रेक लगा दिया और ब्रेक लगाने के बाद में मैं यहाँ पे क्या यूज करूँगा डिफॉल्ट, आपको ये भी पता है, ये भी मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया हुआ है कि हम डिफॉल्ट क्यों करते हैं, यदि केस फाइव से ऊपर हो तो रीड ही ना करें, स्ट्रॉन्ग इनपुट, स्ट्रॉन्ग इनपुट, ओके, या ठीक है। अब हम इस कोड को थोड़ा रन करके देखते हैं, देखिए डॉस प्रॉम्प्ट ओपन करना पड़ेगा मुझे सीएमडी, ओके, देखिएगा ये कोड किस तरह से काम करेगा। पहले मैं सीडी कोड सीडी, यहाँ पे मुझे सिस नाम का फोल्डर ओपन करना पड़ेगा, यहाँ देखिएगा, ये देखिएगा यहाँ पे ये सी ड्राइव है, सी ड्राइव के अंदर कोड नाम का फोल्डर है, कोड के अंदर स्विच और स्विच के अंदर ऑप्शन डॉट सी के नाम से है, तो मुझे इसको सबसे पहले कंपाइल करना है। तो यहाँ पे कंपाइल करने की जीसीसी, ओके, कोड का नाम क्या है मेरा ऑप्शन डॉट सी, पहले मैं इसमें देखता हूँ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कुछ मिस्टेक्स वगैरह तो नहीं है, कोई एरर नहीं है, अगर एरर हो भी तो यहाँ पे आपको वो डिस्प्ले कर देता। इसके बाद इसको रन करने के लिए प्रेस करके मैंने एंटर प्रेस किया, तो देखिएगा यहाँ सबसे पहले ये लाइन रीड कर रहा है, तो ये क्या कह रहा है कोड, वन प्रेस तो टू फाइंड आउट सम करेगा, यदि टू प्रेस करेंगे तो यहाँ से ये करेगा, ओके। तो इसमें से आपको क्या करना है, प्लीज ये कह रहा है कि प्लीज एनी चॉइस फ्रॉम अबव, आप ऊपर से यहाँ पे कोई भी एक चॉइस करेंगे, जैसे मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई के लिए मुझे कौन सा नंबर प्रेस करना है, थ्री, ओके। तो देखिएगा वो नंबर भी पूछा कि जिन नंबर की मैंने मल्टीप्लाई करी, जैसे मैंने थ्री नंबर एंटर करा तो हुआ क्या, जैसे मैं थ्री नंबर एंटर करा तो थ्री नंबर ओपीटी ने रीड किया, ओपीटी में चला गया, ओके, ओपीटी में जाने के बाद में फिर उसने दो, फिर ये वाली लाइन की एंटर एनी टू नंबर, फिर देखिएगा ये दो नंबर जैसे मैं डालता हूँ वे नंबर कहाँ जाएंगे एक्स और वाई में, फिर क्या होगा जो ओपीटी में आपने तीन नंबर डालता हो तीन यहाँ पे आएगा और वो तीन तीसरा केस को एग्जीक्यूट करेगा, ये
और तीसरे एग्जीक्यूट, क्योंकि ये वैल्यू रिसीव होगी ओपीडी से, ये वाली जो इंटीजर कॉन्स्टेंट ये मैच होगा ओपीडी से मैच होगा, ये अगर ये मैच हो जाता है तो जो आपने एक्स और वाई में डाला था उनकी मल्टीप्लाई करके वो कहाँ एंटर कर देगा, जेड में एंटर कर देगा और जेड वो आपका प्रिंट हो जाएगा। देखिएगा मैं यहाँ पे 10 एंटर करता हूँ और फिर मैं 5 एंटर करता हूँ, देखिएगा यहाँ पे क्या आ गया आंसर 50 आंसर आ चुका है। ओके तो फिर इसको मैं दोबारा रन करके दिखाता हूँ आपको। मान लो अगर मैं यहाँ पे 6 प्रेस कर देता हूँ तो देखिएगा 6 प्रेस करने पर क्या होगा, तो देखिए तो गलत हो गया ना, तो 6 प्रेस करने पर इसे नंबर नहीं एंटर करने चाहिए, तब की 6 में इसके लिए कोई स्विच एग्जीक्यूट ही नहीं होना चाहिए, फिर भी ये दो नंबर को एंटर कर रहा है। अगर मान लो मैं नंबर एंटर कर भी देता हूँ तो वो स्विच केस उसको रॉन्ग इनपुट दिखा रहा है। लेकिन इसमें मैं कंडीशन पहले ही ऐसे ही लगा देना चाहता हूँ जिससे कि इसमें ये चीज पता लग जाए कि हाँ अगर मैं केस 5 से ऊपर डालूं तो उसको दो नंबर को एंटर ही ना करे, एक्सेप्ट ही नहीं लाए, इस लाइन को रीड ही ना करे आगे को, तो उसके लिए हम एक यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं। अगर आप थोड़ा यूज कर सकते हैं, देखिएगा लगाऊंगा ये, यदि आपका ओपीपी बड़ा है या इक्वल है 6 से, क्योंकि केस कितने हैं मेरे 5, तो मुझे एक मैसेज प्रिंट कर दो। क्या मैसेज प्रिंट, प्लीज चेक द अबाव, प्लीज चेक द अबाव, ओके एंड ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ओके ये। अब इसको हम क्या करेंगे, यदि ये कंडीशन ठीक हो जाती है तो ये वाली लाइन करेंगे, वरना नहीं। ओके चेक करें एक बार, या सबसे पहले हम 1 6, ओके ये तो ये भी ये कर रहा है। आपको अगर थोड़ा ध्यान होगा तो हमें सबसे पहले कोड के अंदर क्या करना होता है, सबसे पहले कोड को हमने ये जो भी चेंज किया पहले इसको सेव किया, सेव करने के बाद में उसमें हमें कंपाइल करना होता है जीसीसी, कोड का नाम क्या है option.c। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा और अब 6 एंटर प्रेस करता हूं, तो मैं 6 एंटर करता हूं तो देखिएगा वो नीचे की भी लाइन रीड हो रहा है, तो कोड में मुझे कुछ और चेंजिंग सुधार करना पड़ेगा। देखिएगा अगर मान लो चलो ठीक है ये कर रहा है रीड, तो यहाँ पे स्लेस एन मैं कहना चाहता हूँ ये, तो वो नीचे का भी लाइन चल गया, तो मैं कहना चाहता हूँ फिर एल्स चल जाए, अगर ये नहीं होगा तो एल्स चले और एल्स की बॉडी यहाँ पे स्टार्ट हुआ और एल्स को मैं बंद कर देता हूँ डिफॉल्ट के बाद, इसके बाद डिफॉल्ट। ओके आप देखते हैं क्या होगा अगर मान लो इफ की कंडीशन, मान लो अगर आप 6 या 6 प्रेस करने वाले ये वाली चलेगी तो फिर वो नीचे वाला लाइन रीड नहीं करेगा, क्योंकि एल्स ना लगने से वो क्या हो रहा था, वो नीचे भी रीड कर रहा था। अब दोबारा से हम कोड को रन करते हैं आपका, देखिएगा ओके सीडी कोड सीडी स्विच और जीसीसी कोड का नाम है option.ca। देखिएगा अगर मैं 6 प्रेस करता हूँ तो वो कह रहा है प्लीज चेक द अबव एंड ट्राई अगेन, यानी कि प्लीज चेक द अबव, चेक कीजिए ऊपर कितने केस हैं, ओनली 5 केस हैं, और मैंने क्या प्रेस किया है 6 प्रेस किया है, तो इसमें से इसने इसको नहीं चलाया है। ओके ये था हमारे कोड में। अगर मान लो मैं दोबारा इसको रन करता हूँ और यहाँ मैं 2 प्रेस करता हूँ, देखिएगा 2 प्रेस करने पर उसने दो नंबर पूछे हैं, पिछली बार नंबर नहीं पूछे थे। अगर मान लो मैं ये करके यहाँ पे 7 एंटर करता हूँ तो देखिएगा ये अब नंबर नहीं पूछ रहा है, ये नंबर वहां तक एग्जीक्यूट करेगा 5 तक, ओके 5 के ऊपर के नंबर आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, एक ऑप्शनल कोड को बना सकते हैं, इस कोड को हम और अच्छा भी बना सकते हैं। तो किस तरह से, मान लो जैसे थोड़ा सा मैं जनरेटेड प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ तो मैं इसको लाइन वाइज भी चला दे सकता हूँ कि जिससे कि ये कोड मुझे अलग ही दिखाई दे, इस तरह से मैं इसको कोड बना सकता हूँ। ओके ये रहा प्रिंट ऑफ, ये रहा इस कोड को मैं थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना सकता हूँ, मीनिंगफुल एक तरह से, जिससे कि अच्छा लगे कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ। तो सबसे पहला भी मैंने क्या बताया था आपको, कंपाइल करना होगा, जिससे कोड को के अंदर चेंज करते हैं, चेंज करने से के बाद आप इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद आप उसको क्या करेंगे कंपाइल करेंगे। ओके ऑप्शन डॉट सी के ए,
पे देखिएगा। ओ सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया है, तो क्या गड़बड़ हो गया था थोड़ा समझते हैं। अबव के बाद यानी कि अबव के बाद मुझे यहाँ से मुझे नेक्स्ट लाइन लगाना चाहिए, देखिएगा अबव इसके बाद आ रहा ना, तो अबव के बाद जैसे आप यहाँ पे स्लैशन लगाएंगे तो कोड ठीक हो जाएगा। इसको पहले मैं एंटर करता हूँ कोई भी, या जीसीसी यहाँ पे मैंने क्या करा यहाँ पे ऑप्शन डॉट सी ए देखेगा कह रहा ना कि प्लीज एनी चॉइस फ्रॉम अबव। आप ऊपर से कोई भी चीज प्रेस करेंगे, जैसे मैंने 5 एंटर प्रेस करेगा यहाँ पर 5 एंड 2 तो ये माय एड्रेस वांस ओके। तो इस तरह से हम कोड को प्रिंट कर सकते हैं, ऑप्शनल कोड में बना सकते हैं ओके। ये मैंने एक आपको सिंपल ऑप्शनल कोड बताया कि हम सिंपल कोड को किस तरह से स्केच में ऑप्शनल कोडिंग करते हैं ओके। आज की वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगा। यदि इस वीडियो में आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज आप मुझे कमेंट कर सकते हैं ओके। यदि आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं ओके। और हाँ प्लीज यदि आप नए यूजर हो तो आप प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मेरा वीडियो करो आपको अपडेशन मिलते हैं, और ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर कीजिएगा। जिस जो लोग अनकंफर्टेबल है इंग्लिश में पढ़ने में, वो ये मैंने लेक्चर सी प्रोग्रामिंग के लिए हिंदी में तैयार किए हैं सब लेक्चर ओके। ओके वर्स थैंक यू सो मच, बाय।